हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर कोनल और मैं एक कंसल्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे IHC टेस्ट के बारे में। IHC का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, और ये टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली कभी आपके डॉक्टर ने रेफ़र किया होगा किसी बायोप्सी के बाद या किसी सर्जरी के बाद। तो ये टेस्ट का मेन यूज़ एक्चुअली होता है कैंसर के कन्फर्मेशन या कैंसर के टाइप को हम जान सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू। So basically, आज I will tell you the uses of this test, the principle of this test, and इसका cost and time कितना लगता है इसका report आने में। So starting with what is this test? हमारी body में बहुत तरह की cells होती हैं और हर cell अपने surface पे अलग अलग molecules या proteins express करती है। So through this test, we add a marker which reacts with these proteins and molecules, और एक reaction होता है। ये रिएक्शन अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि IHC पॉजिटिव है और वो मार्कर आपका सेल एक्सप्रेस कर रही है, और अगर ये रिएक्शन नहीं होता है इसका मतलब है कि IHC नेगेटिव है और वो पर्टिकुलर मार्कर आपका ट्यूमर सेल एक्सप्रेस नहीं कर रही है। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशलाइज टेस्ट। इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट लगता है, स्पेशल टेक्नीशियंस लगते हैं जो आपकी बायोप्सी या सर्जरी के टिश्यू को प्रोसेस करके ये मार्कर्स डालते हैं, और फिर एक क्वालिफाइड हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जिसको एक्सपीरियंस है IHC और कैंसर डायग्नोस्टिक्स में, वो इसको देख के, इसको स्टडी करके आपका रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इसका कॉस्ट यूजुअली थोड़ा हायर साइड पे होता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्कर्स हमने कितने डाले हैं। 3, 4, 5 से लेके 10 मार्कर्स भी डाले जा सकते हैं। सो द कॉस्ट कैन वेरी फ्रॉम लेट्स से 3,000 टू अप टू 12,000 to 15,000 रुपीज। एंड बिकॉज लाइक आई एक्सप्लेन कि ये एक बहुत ही स्पेशलाइज टेस्ट है जिसमें हमें टेक्नीशियन, डॉक्टर सबकी एक्सपर्टीज लगती है और थोड़ा टाइम भी लगता है, इसका रिपोर्ट आने में कम से कम 3 से 4 से मैक्सिमम 7 दिन तक भी लग सकते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड कैंसर लैब्स या हॉस्पिटल्स में ही आपको अवेलेबल होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये टेस्ट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और इसके यूजेस क्या है। सो द मेन यूज इज कि ये हमें बताता है कि आपकी बायोप्सी या जो डॉक्टर ने आपकी बॉडी में से जो टुकड़ा निकाला है उसमें कैंसर का अगर डाउट है पैथोलॉजिस्ट को। कभी कभी क्या होता है कि माइक्रोस्कोप के अंडर हम ये बता नहीं पाते बहुत ही कन्विंसिंगली कि ये जो कैंसर दिख रहा है वो मैलिग्नेंट है, मतलब फैलने वाला कैंसर है, या ये सिंपल बिनाइन चीज़ है जो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो वो डिटरमिन करने के लिए, वो कंफर्म करने के लिए कभी कभी IHC टेस्ट मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं। तो अगर कोई एक साइट से बायोप्सी हुआ, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट, तो उसमें कौन से टाइप का कैंसर है, कौन सा ज़्यादा अग्रेसिव वाला कैंसर है या थोड़ा लो ग्रेड कैंसर है या कौन से टाइप का कैंसर है, वो ये IHC से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज कि कभी कभी कैंसर एक साइट से ओरिजिनेट करता है लेकिन वो हमें किसी और साइट में जब वो फैल जाता है तब उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कब बहुत बार रूटीन स्कैन, MRI, CT स्कैन में हमें दिखता है कि पेशेंट के बोन में बहुत सारा छोटी छोटी गांठें हैं जो एक्चुअली बोन से नहीं आई होती हैं, वो कहीं और का कैंसर होता है जो फैल के बोन में आया होता है। तो वो डिटरमिन करने के लिए कि वो कैंसर एक्चुअली कहाँ से बोन में आया है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, ब्रेस्ट है, लंग है, लिवर है, स्टमक है, ब्रेन है, ये सब हम उस आपकी बोन में जो फैला हुआ है वो कैंसर वो कहाँ से आ रहा है ये हम बता पा सकते हैं बिकॉज ऑफ IHC। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज दीज डेज इज कि ये हमें ट्रीटमेंट, जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। फॉर एग्जांपल, इसका मेन यूज़ है ब्रेस्ट कैंसर। आपने कॉमनली देखा होगा कि ER, PR, HER2 करके टेस्ट एडवाइस किया जाता है, तो ये एक्चुअली IHC टेस्ट हैं जो ER, PR एंड HER2 हॉर्मोन्स हैं। तो आपके ब्रेस्ट ट्यूमर में अगर वो हॉर्मोन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा और आपका ट्रीटमेंट अलग होगा, और अगर वो हॉर्मोन्स ER, PR, HER2 आपके ट्यूमर में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं और आपका IHC नेगेटिव आया है तो आपका ट्रीटमेंट अलग होगा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और ये क्रूशियल टेस्ट है हमें ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए। सो थैंक यू, आई होप ये इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल टू एवरीबडी। एंड आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो, और आप कॉमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।